हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आज आप देख सकते हो, आज आपको वीडियो में पेंटिंग नहीं दिख रही, आज आपको प्लांट्स दिख रहे हैं। वो इसलिए बिकॉज ये मेरा टेरेस है एंड ये टेरेस का बैक साइड वाला एरिया है। यहाँ प्लांट्स के अलावा जो दूसरी चीज़ सबसे अच्छी है वो है बहुत सारा कबाड़, एंड उसी कबाड़ में मुझे एक लैम्प मिला है। एंड आज की वीडियो इस लैम्प पे ही होने वाली है बिकॉज मैं इस लैम्प को यूज़ करके एक DIY करने वाली हूँ। एंड मुझे पता नहीं है कि अभी वो कैसा होगा, बट इसको पहले देखते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी है। जैसा कि आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, इस पर हर जगह अच्छे से जंग लग चुका है बिकॉज यहाँ बारिश का भी पानी आ जाता है, तो उसकी वजह से जंग बहुत ज़्यादा ही लग चुका है। बट शायद वो सैंड पेपर से साफ हो जाएगा। तो पहले मैं जल्दी से इसको अपने रूम में लेके चलती हूँ, वहाँ पे देखती हूँ कि इसका क्या होना है। एंड नेक्स्ट स्टेप आपको वीडियो में दिखेगी, इसलिए वीडियो आप एंड तक देखना एंड आपको पता चल जाएगा मैं इस पर क्या करने वाली हूँ, कैसे यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं आपको इसको अच्छे से खोल कर दिखाती हूँ कि इसकी ग्लास की क्या कंडीशन है और लैंप की क्या कंडीशन है। कहीं ग्लास ब्रेक ना हो गया हो, तो वो मैंने अभी चेक नहीं किया था। तो बट ग्लास सही है, ब्रेक नहीं हुआ है, बट थोड़ा गंदा है। एंड लैंप की कंडीशन भी ठीक है, बट जंग बहुत ज़्यादा ही लगा हुआ है, तो वो साफ़ हो जाएगा। एंड इसको मैंने हिलाकर इसलिए चेक किया कि कभी कभी होता है कि उसमें पानी रह जाता है या तेल रह जाता है, तो वो मैंने चेक किया बट उसमें कुछ था नहीं। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो मैंने ग्लास एंड लैम्प दोनों अच्छे से साफ़ कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं ले रही हूँ इसके लिए एक फेरी लाइट, जो पुरानी जो दिवाली में यूज़ करते हैं वही वाली पड़ी थी, मैंने वही वाली ले ली है रेड कलर में। एंड ये चॉक पेंट जिससे मैं ये लैम्प पेंट करूँगी, एक्वा मरीन कलर का है, तो ये नया ही है, मैंने अभी तक इसको यूज़ भी नहीं किया है और मुझे आइडिया भी नहीं कि कैसे यूज़ करते, तो उस पर इंस्ट्रक्शन थी, मैंने वो पढ़ लिया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको यूज़ कर लूँगी। एंड इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैं इसमें वाटर मिक्स कर सकती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं थोड़ा सा वाटर मिक्स करके फर्स्ट लेयर कर लूँगी एंड सेकेंड लेयर कर लूँगी विदाउट वाटर के। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं फर्स्ट लेयर में वाटर मिक्स करके ही अप्लाई करूँगी, तो मैंने वैसे ही पेंटिंग स्टार्ट की है। एंड इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और वाटर मिक्स करने की वजह से ये बहुत ही स्मूथली चल रहा है। तो मैं ऐसे ही सारा लैम्प का एरिया कवर कर लूँगी पेंट करके। एंड फर्स्ट लेयर होने के बाद अगर मुझे ज़रूरत लगी तो ही मैं सेकंड लेयर करूँगी, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं करूँगी। तो मैं फर्स्ट लेयर कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि लैम्प का लुक कैसा आ रहा है। देख सकते हो पेंटिंग का फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुका है एंड फर्स्ट लेयर के बाद लैम्प तो अच्छा दिख रहा है, बट लैम्प पे ना कहीं कहीं पे ब्रश मार्क्स रह गए हैं। तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं सेकंड लेयर कर लेती हूँ एंड सेकंड कोट में मैं वापस से वाटर मिक्स नहीं करूँगी, मैं उसको डायरेक्ट करूँगी, सो दैट थिक पेंट रहेगा ना, तो उसकी वजह से क्लीन लुक आएगा। तो मैं इसको सेकेंड कोट करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि उसका लुक कैसा आता है। मैंने लैम्प पे सेकंड कोट भी कर लिया है पेंट का एंड इसके बाद इसका लुक बहुत ही क्लीन आ रहा है और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे पर्सनली इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई गेस रेड लाइट के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने फर्स्ट लेयर भी कंप्लीट कर लिया, सेकंड लेयर भी कंप्लीट कर लिया, बट मैंने दोनों लेयर के टाइम पे ये ध्यान नहीं दिया कि लैम्प को खोल कर भी पेंट करना था ऊपर से, जहाँ से उठाकर उसमें ग्लास लगाते हैं ना, मैंने वो एरिया मिस कर दिया, तो मैंने उसको भी पेंट कर लिया। एंड ये मैंने इसलिए वीडियो में रखा है, कट नहीं किया, बिकॉज मैं चाहती थी कि ये कॉमन मिस्टेक है, ये हो जाती है, तो मैं चाहती थी कि आप लोग भी देख लो, मे बी कभी आपसे भी हो जाए। तो अब पेंटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अब इसका नेक्स्ट स्टेप फॉलो करती हूँ एंड उससे पहले मैं आपको इसमें ग्लास लगा के दिखाती हूँ कि लैम्प का लुक कैसा आ रहा है एंड लैम्प पहले कैसा था और अभी कैसा, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप ये कि जो मैंने आपको फेरी लाइट दिखाई थी, तो वही फेरी लाइट मैं इस ग्लास में लगाने वाली हूँ एंड इसके बाद बस इसको लाइट ऑन करना है एंड लैम्प रेडी हो जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ, वो ये है कि मैंने भी वो नोटिस किया है इसलिए मैं चाहती थी कि मैं बता दूँ। ये जो मैं लाइट यूज़ कर रही हूँ ये प्लास्टिक की लाइट है और इसका वायर प्लास्टिक का है, तो ये जब लैम्प के अंदर इकट्ठा जलेगी ना, एक साथ में सारे बल्ब जलेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ही हीट हो रहा था और उसकी वजह से शायद मे बी ज़्यादा देर जलने की वजह से ये मेल्ट होने लग जाएगा। तो अगर आप कभी भी ये DIY यूज़ करो या कोई और भी यूज़ करो तो ये लाइट अवॉइड कर देना एंड कोई और लाइट यूज़ कर लेना। मैं भी बाद में चेंज कर दूँगी इसको, फ़िलहाल के लिए मैंने बस जो था मैंने यूज़ कर लिया। एंड आप देख सकते हो लाइट ऑन करने के बाद ये लैम्प कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे बिकॉज़ इसकी जो पहली कंडीशन थी ना इस लैम्प की पूरी चेंज हो चुकी है, तो
होप सबको अच्छी लगे, मुझे तो अच्छी लग रही है। तो आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर लुक में कि ये लैम्प पहले कैसा था अब कैसा है। एंड थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा टाइम, थोड़े से मटेरियल यूज़ करने से कोई पुरानी चीज़ कैसे नई हो जाती है। पहले ये छत पे फेंका हुआ था एंड अब ये पूरा नया हो चुका है। और मैंने अभी अपने आर्ट रूम में इसको अपने टेबल पे रखा है जहाँ मैं पेंटिंग करती हूँ, एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी ये DIY अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलती हूँ नई कलाकारी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।